हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आएगा आपको पसंद। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, हो सके तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि हमारे टेक रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। किसी वेबसाइट का रिव्यू भी मैं नहीं करने वाला, यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसकी जिस चीज़ों की वजह से आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो किसी और के पास पहुंच जाता है। जी, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको जब आप कुछ परचेज करते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए ऑनलाइन परचेजिंग के वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय की बर्बादी ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए टेच इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन कुछ गलतियों की जो हर एक इंसान, ज़्यादातर इंसान करते हैं। जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया, मान लेते हैं फ्लिपकार्ट पे दिया, अमेजोन पे दिया, किसी भी जगह पे दिया, स्नैपडील पे भी दे सकते हैं, कहीं पे भी। तो आपको वो पैकेज जब रिसीव हो जाता है तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद वो जो पैकेज है उसको कचरे के डब्बे में या फिर रोड पे कहीं पे भी फेंक देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पैकेज की जो साइड होती है किसी एक साइड पे लगा हुआ होता है एक पूरा का पूरा पेपर वर्क, जहाँ पे लिखा हुआ होता है आपका एड्रेस दिया जाता है, आपका फ़ोन नंबर और उस चीज़ की हर एक डिटेल, उसकी प्राइसिंग कितनी है, वो चीज़ क्या है, उसकी डिलीवरी चार्ज कितना है, कौन सी डेट पे वो डिलीवर हुआ है। तो आप समझ लीजिए एक मेगा सिटी में रहते हैं या फिर बड़े कोई भी सिटी में रहते हैं जहाँ पे ऐसे बंदों की कमी नहीं है जिनके पास दिमाग है और उसको यूज़ करके वो फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उनके हाथ ये सब कुछ लग जाते हैं, हालांकि वो खुद तो नहीं लेते हैं, लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और उन तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसे में उनके पास आपकी पूरी की पूरी एक रिकॉर्ड पहुँच चुकी है और उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। आपको कॉल करेंगे और कहेंगे आपकी ये चीज़ जो ऑर्डर आपने दी थी उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट ने आपको ये जितवा दिया, वो जितवा दिया, आपकी बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे, ये सब करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर आपके पैसों के साथ खेलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए परचेज़ करते वक्त। आप जो है कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो जब आप तक डिलीवर हो जाए तो उसकी जो पैकेजिंग है उसको कहीं पर भी मत फेंकिए। आप अगर कचरे के डब्बे में फेंकते हैं तो उस लेबल को निकाल लीजिए, उसको जला दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको पब्लिकली फेंक मत दीजिए। ऐसी बहुत सी केसेस मैंने खुद अपने सिटी में देखा है कि लोग पैकेज को फेंक देते हैं, उनकी केयर नहीं करते। दूसरी चीज़ है, आप कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप तक तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन फेसबुक पे आप शेयर करते हैं, देखो ये चीज़ मैंने परचेस किया है, इसकी इतनी प्राइसिंग है, इस डेट पे मुझे मिलने वाले हैं, ये सब चीज़ें आप जब शेयर करते हैं तो कोई भी आपकी जो प्रोफाइल है उसको विजिट कर सकता है, देख सकता है कि हाँ आपने इस चीज़ को परचेज़ किया है। अब आपके दिमाग में क्या रहता है कि आपने पासवर्ड किसी को शेयर नहीं किया, आपकी आईडी किसी को शेयर नहीं किया, तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम चीज़ जैसे कचरे से उठा के वो यूज़ कर रहा था, सेम चीज़ आपकी सोशल प्लेटफॉर्म से भी वो उस इन्फॉर्मेशन को उठाएगा और आपके साथ फ्रॉड कर देगा। अगर मैं बात करूं इन चीज़ों को छोड़ के और भी कुछ गलतियों की, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें हज़ारों मिल जाएंगी जो आप ऑनलाइन करते हैं और जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी दोस्त है, उसने बोला कि भाई मुझे कुछ परचेस करना है, तेरा आईडी मेरे को शेयर कर, और ऐसे में वो करता है लॉगिन। तो ऐसे में मान लेते हैं कोई कुछ लोग हैं जो उसके साथ किसी की दुश्मनी वगैरह है, तो किसी ने स्पाइवर वगैरह इंस्टॉल करके रखा है, तो ऐसे में आपकी जो डिटेल है वो चली गई और किसी एक के पास। तो ऐसे में आपकी जो फाइनेंस की कार्ड है या फिर एटीएम वगैरह जो आपने लिंक करके रखा है वहाँ से, उनको अगर किसी को बाईपास करना आता है तो वो कुछ भी चीज़ें परचेज कर सकता है जिसकी प्राइसिंग आपकी कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसे में इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए, सोचिए और फिर विचार कीजिए कि हाँ ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं उन टॉपिक को चूज़ कर रहा हूँ जो कॉमनली हर कोई करता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़ोन की। जब आप अपना कोई फ़ोन किसी और को बेचते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप क्या करते हैं, सिंपली फ़ोन को रीसेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं करता, बस अपनी मेमोरी कार्ड, एसडी
और जो सिम कार्ड होते हैं उसको निकाल लेते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको नोट कर लेते हैं या फिर बैकअप ले लेते हैं, बस फ़ोन को दे देते हैं। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी फ़ोन का जो फाइल होता है एंड्रॉयड फाइल, अगर उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं तो जेड अचीवर करके एक जो क्रैक फाइल होते हैं उनको जो एक्सट्रैक्ट वगैरह करना होता है उनके लिए सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसके अंदर से आप देख सकते हैं आपकी एंड्रॉयड फाइल हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, तो उसमें आपकी डेटाज रहती हैं और उसको रिकवर करके आपकी जो पर्सनल फोटोज़ वगैरह हैं उनको भी निकाल लिया जाता है, जिससे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर आपकी जो परचेजिंग या फिर वैलिड चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। तो ऐसी गलतियों बिल्कुल भी मत कीजिए और ऑनलाइन जो कि है काफ़ी सुरक्षित रहिए। किसी और के साथ आईडी पासवर्ड शेयर करने की गलती ना कीजिए, हालांकि लोग तब इतना अवेयरनेस उनके अंदर आ ही चुका है कि ये चीज़ें वो नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप करते हैं भले ही आपका दोस्त हो तो आप अपने फ़ोन दीजिए, बोलिए यहाँ से तुझे जो लेना है ले, लेकिन मैं अपना आईडी शेयर करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलूंगा एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को पूरा देखो, बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आज के लिए चलता हूँ, बस इतना ही।